ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जब हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? ठीक है ना, पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 15, सिर्फ 15, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दो लॉस। कितने लॉस? दो लॉस। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड पढ़ेंगे क्या? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रमोशन, ठीक है ना। इन दोनों पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इन दोनों पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो दो लॉस पढ़ने, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, और इसके अलावा पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है चैप्टर का, जो थर्ड पार्ट है चैप्टर का, वो किस चीज के साथ डील करता है? वो डील करता है किसके साथ? मोल कंसेप्ट के साथ। किसके साथ डील करता है? मोल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट और है जो क्या है? केमिकल फॉर्मूला। जो क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो ये चैप्टर में इन चार पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से यहाँ से एक से दो डेफिनेशन आने वाली है, छप चुकी है, ठीक है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल कभी आता है कभी नहीं आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल कभी आता है कभी नहीं आता है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सिर्फ तब आती है व्हेन द पेपर इज वेरी इजी। अगर पेपर आसान बना है तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगी, अदरवाइज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं आएगी। मोल कंसेप्ट एग्जाम में आने वाला है, छप चुका है, आने वाला है, छप चुका है। इस पे एक न्यूमेरिकल पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। और लास्ट चीज है क्या? तुम्हारी केमिकल फॉर्मूला, यहां से भी एक क्वेश्चन पक्के से आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? एटम देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर नहीं, एलिमेंट लिखो, ठीक है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट have an independent existence, that may or may not have an independent existence. It can retain all its chemical properties. It can retain all its chemical properties. ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या बोला हम लोगों ने? ठीक है, कि जो एटम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या बोली? जो एटम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट का। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा? एलिमेंट का। लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये पक्का नहीं है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं? एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा? जैसे कि सोडियम है, ऑक्सीजन है, आ रही बात समझ में? नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें क्या है? एलिमेंट है। ये सारी चीजें क्या है? एलिमेंट। अब जो सोडियम है वो Na के फॉर्मेट में रह सकता है क्या? हाँ, ये Na के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में दिखता है, यानी कि O2 के फॉर्म में ही दिखता है। अकेला ऑक्सीजन का एटम हमको कभी नहीं मिलता है, क्योंकि अकेला रह ही नहीं सकता, ये इंडिपेंडेंटली
रह ही नहीं सकता। सिमिलर जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा हमें किस फॉर्मेट में मिलता है, N2 के फॉर्म, क्योंकि अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो जो एटम होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स के एटम, जैसे कि सोडियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। लेकिन लेकिन सारे एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करे ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? क्या मॉलिक्यूल पे जाए? अच्छा, तीसरी बात क्या बोली, इट कैन रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, इट कैन रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज सोडियम के पास है वो सोडियम का एटम सारी दिखाएगा, जो भी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की होती है वो ऑक्सीजन उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेगा, शो करेगा। इज दैट क्लियर? चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज है क्या, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डिफाइन लिखो, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, इट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज of that substance. अब सिंपल से लॉजिक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, वॉटर का। क्या लिया एग्जाम्पल, वॉटर। क्या यहाँ पे वॉटर मॉलिक्यूल है? हाँ। क्या H2O को किसी और चीज की जरूरत है अपने एग्जिस्टेंस के लिए? नहीं, ये अपने आप ही रहेगा तो सही से रह पाएगा क्या? हाँ। क्या ये स्टेबली एग्जिस्ट कर पाएगा क्या? हाँ। तो पानी तो पानी है, इसको किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं, इसको किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला कि जो पानी की एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ये हाइड्रोजन हवा में घूम रहा है, इसको ऑक्सीजन से बात नहीं करनी है, तो ये नहीं करेगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि ये खुश है किसके साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसको अब किसी और की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस कैसा है, इंडिपेंडेंट है। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी? क्लियर है? आगे जाए। केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। यानी कि अगर मैंने वाटर बोला तो वाटर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, H2O। आ रही बात समझ में? मैंने बोला कॉमन सॉल्ट तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, NaCl। क्या होगा? NaCl, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। It shows its constituents. It shows its constituents. Constituents मतलब क्या, अगर वॉटर है तो वो किन चीजों से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। वो हमको फॉर्मूला देखकर समझ में आ रहा है ना, ये किसका बना हुआ है, एक तो सोडियम का और दूसरा किसका, क्लोरीन का। तो ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो बता ही रहा है, प्लस साथ में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बोल रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कह रही हूँ, अगर मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ H2SO4। अब इससे कितनी इंफॉर्मेशन बदल रही है कि तीन एलिमेंट से बना हुआ है। कौन सा? पहला एलिमेंट इज हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट कौन सा, सल्फर, और तीसरा एलिमेंट कौन सा, तो ये इससे सेकेंड इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद बता रहा है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, दो, सल्फर कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितना है, चार। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है, पहली बात ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, दूसरी बात ये क्या बताता है कि इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट्स या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं,
और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, ये सारी चीजें क्या करता है, बताता है। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? आगे जाए, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोलेंगे अ केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट शोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। ठीक है, ध्यान। हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ मास यूनिट। सबसे पहले क्या बोल दिया, इट इज अ मास यूनिट। हमको ये मास यूनिट बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई बेटा, हमें ये मास यूनिट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो एटॉमिक लेवल पे चीजें होती है उनका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा, और क्योंकि उनका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा, तो उनका मास क्या होता है, बहुत कम, और इसलिए एक कॉमन मेजर लेने के लिए हम लोगों ने क्या क्रिएट करी, एटॉमिक मास यूनिट। करेक्ट, क्रिएट करी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एटॉमिक मास यूनिट व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू, व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पर देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू, सुनो ध्यान से, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। मजा आया? इसलिए बोलती ध्यान से देखना, कुछ बातें उन्होंने बहुत क्लियर करी है कि पहली बात तो क्या है, ये एक मास यूनिट है, पहली बात तो क्या है, ये मास यूनिट है जो किसके एग्जैक्टली इक्वल है, 1/12 के, किसके एग्जैक्टली इक्वल है, 1/12 के, किस चीज के 1/12 के, मास ऑफ वन एटम, किसके इक्वल, मास ऑफ वन एटम, कौन सा एटम, कार्बन 12, और हमने इसका मास कितना मान लिया, 12, मतलब समझो बहुत लॉजिक है, सिंपल सी बात है, मुझे तुम में से किसी का भी मास नहीं पता, मुझे तुम में से किसी का भी मास नहीं पता, लेकिन 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 मैंने ऐसे मन से सोच लिया कि इशिता का मास है 10 ग्राम, 10 किलो लेते हैं, हमने इशिता का मास कितना मान लिया, 10 किलो, हमने इशिका का मास कितना मान लिया, 10 किलो, टेकन एज 12, जैसे कार्बन का हमने मास कितना मान लिया, 12, वैसे इशिका का मास कितना मान लिया, इशिका भी 12 मान लेते, इशिका का मास कितना है, 12, इशिका का मास कितना है, 12, और इशिका कौन है आज से, कार्बन, इशिका कौन है आज से, कार्बन। अब क्या हुआ, देखो इशिका के पास बैठी हुई है झलक, झलक का नाम है मैग्नीशियम, झलक का मास है क्या, झलक का नाम क्या है, मैग्नीशियम। अब मैं क्या कर रही, एक तराजू लेकर आई, तराजू समझते हो, स्प्रिंग बीम बैलेंस, और मैंने क्या करा, एक तरफ झलक को बिठाया, एक तरफ झलक को बिठाया और दूसरी तरफ किसको बिठाया, इशिका को। जब झलक को एक तरफ बिठाया तो इशिका कितनी बिठानी पड़ गई, 2, इशिका कितनी बिठानी पड़ गई, यानी कि अगर इशिका का मास 12 है और हमको 2 झलक, 2 इशिका बिठानी पड़ गई, तो झलक का कितना हो जाएगा, 24। आई बात समझ में, यानी कि अगर मैंने तराजू के एक तरफ क्या रखा, कार्बन, और कार्बन का मास कितना मान लिया, 12, और दूसरी तरफ से मैंने बिठा दिया किसको, अब मैग्नीशियम नहीं बिठा रहे, अब हम लोग पल्लवी को बिठा रहे, ठीक है ना, किसको बिठा रहे, ठीक है ना, पल्लवी है लिथियम, पल्लवी है, तो हम लोग को एक तरफ तो इशिका बिठाई और दूसरी तरफ 2 पल्लवी बिठानी पड़ गई, दूसरी तरफ कितनी पल्लवी बिठानी पड़ गई, यानी कि 2 पल्लवी मिलके एक इशिका बना रही, यानी कि जाहिर सी बात है पल्लवी का मास कितना होगा, 6। तो हम लोगों ने एक प्रिजम्पशन मान लिया क्या, कि कार्बन का मास कितना है, 12। अब बाकी सारे एलिमेंट्स को किससे कंपेयर कर लिया, कार्बन से, इसीलिए इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसलिए इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो हम लोगों ने बोला 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, कार्बन 12 को क्या माना, 12, और इसका क्या